लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड डिविडेंड क्या है। सबसे पहले कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा, फॉर एग्जांपल कंपनी का शेयर कैपिटल 1 लाख है, जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसा दिया, उस पैसे से कंपनी ने मशीनरी खरीदा, गुड्स बनाया, बेचा, 40,000 कमाया। इस 40,000 में से जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी को 1 लाख रुपए का पैसा दिया, उसमें से हो सकता है कंपनी बोलेगी 25,000 डिविडेंड लो। सो डिविडेंड क्या है, कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर्स को देगी, क्योंकि उन्होंने शेयर कैपिटल का पैसा दिया। शेयर होल्डर्स कौन है, कंपनी के मालिक, उन्होंने क्या दिया है, शेयर कैपिटल का पैसा दिया। इस एग्जाम्पल में कितना दिया है, 1 लाख। उस पैसे से कंपनी ने क्या किया, मशीनरी खरीदा, गुड्स बनाया, बेचा, कितना प्रॉफिट किया, 40,000। उस प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड दिया, 25,000, बाकी 15,000 कंपनी रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। ठीक है, सो लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो पहला, सोर्सेज ऑन डिविडेंड। तुम डिविडेंड जो देना चाहते हो वो करंट ईयर प्रॉफिट में से होगा, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। तुम्हारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहां पे जो तुम बनाओगे, डेप्रिसिएशन तुमको माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा, डिविडेंड इसमें से होना चाहिए। तुमने डेप्रिसिएशन खर्चे में दिखाना जरूरी है। तुम करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले फिक्स्ड एसेट से माइनस करके सेकंड इफेक्ट पीएन लेते हो। सो ये डेप्रिसिएशन माइनस, सपोजिटली जीपी तुम्हारा 10,000 है, डेप्रिसिएशन तुम्हारा 2,000 है, तो नेट प्रॉफिट बचेगा 8,000। तो तुम ये 8,000 में से 3-4 हजार जो भी डिविडेंड देना चाहे दे सकते हो। So, पहला कायदा क्या है, डिविडेंड कहां से कंपनी देगी, प्रॉफिट में से देगी। ठीक है, और दूसरा प्रीवियस ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल ये साल कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है, प्रॉफिट इज जीरो, लेकिन जो प्रॉफिट था 2021-22 में वहां पे 30,000 था, उसमें से पिछले साल कंपनी ने डिविडेंड दिया था 12,000, पिछले साल 18,000 कंपनी ने रिजर्व में ट्रांसफर किया था। सो इस साल कंपनी का प्रॉफिट जीरो है, तो पिछले साल का जो रिजर्व इस साल कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो 18,000 में से कंपनी चाहे तो मे भी 6,000 का डिविडेंड दे। सो बोलने का तात्पर्य यह है, इस साल का प्रॉफिट तो नहीं हुआ है तो डिविडेंड इस साल का प्रॉफिट यदि रहा तो दे सकती है, पिछले साल का प्रॉफिट से दे सकती है, पिछले साल के रिजर्व में दे सकती है, या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कोई स्टार्टअप को कि तुम शुरू करो, सोलार या कोई इंपॉर्टेंट है तो हम तुमको पैसा देंगे डिविडेंड देने के लिए भले ही प्रॉफिट ना हो। तो 3 ही प्रकार से डिविडेंड दिया जा सकता है, कौन से पैसे से, इस साल का प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट, या जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया उस पैसे से। नाउ डिविडेंड कैपिटल में से दिया नहीं जा सकता, कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। नाउ कैपिटल प्रॉफिट्स और कैपिटल में फर्क है, शेयर कैपिटल में से डिविडेंड नहीं दे सकती क्योंकि शेयर कैपिटल कम हो जाएगा ना कंपनी का, लेकिन कैपिटल प्रॉफिट्स मतलब कंपनी ने कोई जमीन बेचा, जमीन बेचा, 60,000 रुपया उसको नकद मिला, ठीक है, तो डिविडेंड दे सकती है, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने कहा तो दे सकती है। प्रॉफिट इट रिमेन्स एज प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो दे सकती है, लेकिन जो कैपिटल है कंपनी का, शेयर कैपिटल 1 लाख, उसमें डिविडेंड नहीं दे सकती। बट जमीन बेचा तो जो प्रॉफिट होगा उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। फर्क समझो, कंपनी का शेयर कैपिटल 1 लाख है, इसमें से डिविडेंड नहीं दे सकती, बट कोई जमीन बेचा कैश में मिला तो उसमें से डिविडेंड दिया जा सकता है। तो शेयर कैपिटल देगी तो कम हो जाएगा शेयर कैपिटल, जमीन बेचा तो कैपिटल प्रॉफिट उसमें से दे दो। डिविडेंड रिजर्व में से दिया जा सकता है, पिछले साल का जो प्रॉफिट में से जो हिस्सा बचा होगा रिजर्व उसमें से दे सकती है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड लीगल प्रोविजन ऑन सोर्सेज ऑफ डिविडेंड क्या है। सिंपल सा है, इस साल का प्रॉफिट, पिछले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट, या तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया उसमें से, या और तुमने कोई जमीन या कुछ संपत्ति बेची, नफा कमाया कैश में, तो डिविडेंड दिया जा सकता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने अलाउड करना चाहिए। तुमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बाद भी प्रॉफिट बचा हुआ है वो भी कर सकते हैं, कैपिटल में से तुम डिविडेंड नहीं दे सकते, पिछले साल के रिजर्व में से दिया जा सकता है। आया समझ में। सो ये था तुम्हारा लीगल प्रोविजंस ऑन सोर्सेज ऑफ डिविडेंड।